Okay. Land fishing. Cutting everywhere. Okay, okay. Because I'm using my line. Yeah, yeah. I'm going to Zanzibar today. Today, yeah. Yeah, but tomorrow like, I came in. हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। अभी मैं मेरे हॉस्टल के अंदर हूँ, देर सलम तंजानिया की कैपिटल के अंदर। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट में सिम वगैरह खरीदने। करेंसी तो मैंने $50 चेंज करवा ली थी, कोशिश करूँगा कि 50 और करवा लूँ अगर अच्छा प्राइस मिलता हुआ तो। तो चलो अभी चलते हैं। ये रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये मेरा रूम है आप देख सकते हो। तो चलो अभी चलते हैं। एक भाई है यहाँ पे कैमरून से, कैमरून एक कंट्री है वहाँ से। तो वो ना वहाँ वो मेरे लिए उन्होंने ना एक बोल्ट नाम का एप्लीकेशन है, उससे आप ये जैसे बाइक टैक्सी रेंट कर सकते हो। तो बाइक टैक्सी में क्या है कि सस्ती पड़ती है और सिर्फ 1000 रुपये लगेंगे मेरे मॉल के अंदर जाने में। वहाँ मेरे को सिम कार्ड और मेरे को ना स्लीपर फ्लिप फ्लॉप चप्पल भी लेनी है और वो भी मैं ले लूँगा। तो चलो अभी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो बुक कराते हैं टैक्सी। और वो ऐप भी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर डाल दूँगा ताकि आप तंजानी आए तो वो डाउनलोड करके ईजिली ट्रैवल कर सकें। आप देख सकते हो ऐसी गलियां हैं यहाँ पर, मतलब कि कच्ची गलियां यहाँ पर ज़्यादा है। मेन रोड जो है वही सीमेंट या उससे बनी हुई है, बाकी जो गलियां हैं वो सारी ऐसे मिट्टी गिरी हुई है, पत्थर गिरे हुए हैं, बाकी पक्की नहीं है गलियां, मतलब कि बजरी से नहीं बनी हुई है। ये देखो बाकी जो मेन रोड है जो वो सीमेंटेड है। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 2-3 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 1000 रुपये लगेंगे, 1000 शिलिंग। और चलते हैं, यहाँ बाइक पे थोड़ी आवाज़ भी सुन नहीं रही होगी इसलिए आपको वहीं जाकर मैं बताता हूँ। ये एक शॉपिंग मॉल है पाम विलेज के नाम से, और यहाँ पर ये वोडाकॉम जो दिख रहा है इसकी सिम लेनी है मेरे को। टीगो जो सिम है वो मैं नहीं लूँगा। गोटेमाला में भी यही सिम कार्ड लिया था मैंने, टीगो ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी इतना अच्छा नहीं चलता था। काफ़ी बड़ा मॉल है, चलते हैं अंदर मॉल के। और चप्पल भी ख़रीदनी है तो वो भी ख़रीद लेंगे, और सिम कार्ड आपको बता देता हूँ कितने डॉलर का मिलता है। ये देखो यहाँ पर एयरटेल भी है और वोडाकॉम भी है। ये पता नहीं अब वोडाफोन वाला इंडिया वाला ही वोडाफोन है, साइन तो वही है, और यहाँ पे हो सकता है कि इसका नाम वोडाकॉम हो। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने का देते हैं सिम कार्ड। ये देखो यहाँ पर ना अलग अलग पैकेज है, एक है 50,000 में 24 GB और अनलिमिटेड वैलिडिटी है, और 30 दिन के लिए सिम कार्ड मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ यही ले लेता हूँ, 24 GB बहुत है। और ये कह रहे हैं कि ये 24 GB के बाद भी चलेगा इंटरनेट, थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, तो यही ठीक है। बाकी तो जैसे कि फ़ायदा नहीं है, जैसे कि अगर 3,000 का लेते हो तो 1.5 GB सिर्फ 7 दिन के लिए हो, और बाकी अगर 10,000 में लेते हो तो सिर्फ 3 GB। 50,000 में ही ठीक है, 24.6 GB वाला सबसे अच्छा यही लगा मेरे को। और ये अनलिमिटेड भी है ना, बाद में भी चलता रहेगा 24 GB, क्योंकि अभी इंटरनेट काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये लेडी दे रही है, व्हाट इज़ योर नेम, इनको शर्म आ रही है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एक्टिवेट? 10 मिनट्स। ओके, सिम कार्ड तो ले लिया, देख लो फ़ोन में चल भी गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 5 मिनट लगी। 55,000 लग गए यहाँ के 55,000, क्योंकि 5,000 की सिम कार्ड और 50,000 का पैक। तो अब 1 महीने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अभी मॉल में आपको दिखाता हूँ और चप्पल खरीदते हैं, कहीं से बढ़िया चप्पल मिलती है। तो एक अभी ये ट्रैवल अडेप्टर लिया है मैंने इस मॉल में, काफ़ी दिनों से मैं ढूँढ रहा था, मिल नहीं रहा था यार। ये काफ़ी अच्छी कंपनी का है तो ले लिया मैंने। ये पड़ा है मेरे को 25,000 का यहाँ के। और देखो मौसम देखो कितना ज़बरदस्त हो गया है, शायद बारिश आएगी थोड़ी देर में। और अभी मैं निकलता हूँ, चप्पल तो यहाँ कहीं मिले नहीं। दर ए सलाम सिटी में आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि छोटे रेस्टोरेंट और KFC, पिज़्ज़ा हट, ये फ्रेंचाइजी, जैसे कि कोई भी कैपिटल होती है उसमें ऐसी चीज़ें मिलती है, छोटे बड़े रेस्टोरेंट। दिल्ली को भी देख लो, बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी चीज़ मिल जाएगी। चलो अभी थोड़ा मन है कि पिज़्ज़ा खाएं, काफ़ी दिन हो गए, और वैसे भी ना 2-3 दिनों से ना थोड़ा थका हुआ और वैसे था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ खा के देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है ढंग का, और पेट भी भर जाएगा।
पहले पता नहीं है कि वेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेक करता हूँ आपको और थोड़ा बहुत वो प्राइस भी आपको आइडिया हो जाएगा इंडिया के हिसाब से। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और कल रात को जब मैं निकला था सिम कार्ड लेने के लिए तो क्या हुआ कि वहाँ पर 6 बजे जो दुकानें सब बंद हो जाती है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मतलब कि लगभग सभी दुकानें 6 बजे यहाँ पर बंद हो जाती है, शाम को 6 बजे सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहते हैं, तो मार्केट वगैरह भी सभी क्लोज हो जाती है। तो मैंने सोचा कि कल सुबह चलेंगे, तो मैं हॉस्टल आ गया था और काफ़ी थका हुआ था तो मैं सो गया था, रात को 8 बजे ही सो गया था। अभी उठाऊँ सुबह के 8 बजे तो अभी ब्रेकफास्ट हॉस्टल में इंक्लूडेड था। थोड़ा बहुत आपको हॉस्टल भी दिखा देता हूँ, हॉस्टल कैसा है, अगर आप चाहो तो इस हॉस्टल में रुक सकते हो। इन्होंने मेरे से 20,000 यहाँ के शिलिंग लिए हैं एक रात के रुकने के लिए, तो चलो ये, और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा हॉस्टल है। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? ये देखो ये ब्रेकफास्ट है और ये मेरा हॉस्टल है। यहाँ पर आपको कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी, आप चाहो तो जब भी बना कर पी सकते हैं, और ये इन्होंने खुद बना कर दिया है जो कि इसी के अंदर इंक्लूडेड है। चलो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं सिटी के बाहर, थोड़ा बहुत सिटी एक्सप्लोर करेंगे। और मेरा मन है कि मैं जंजीबार निकल जाऊँ आज, क्योंकि सिटी में करने को कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत मार्केट वगैरह जैसी भी लोकल मार्केट होती है वैसी इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो वो चीज़ मैं आपको ना दिखा कर, एक आइलैंड है जंजीबार जो कि मालदीव जैसा दिखता है, काफ़ी मतलब कि है चीप लेकिन दिखता वैसा ही है, नेचर बहुत सुंदर है। तो आज उसकी टिकट का, फेरी का टिकट का पता करेंगे, यहाँ से 1 घंटा 40 मिनट लेती है फेरी, तो उसकी टिकट का पता करेंगे और वहाँ निकल जाएंगे। आज मैं सोच रहा हूँ कि वहीं निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो हॉस्टल है 20,000 ले रहा है, वहाँ पर 30,000 में आपको 2 दिन का मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पैसे वेस्ट करने से अच्छा कि एक अच्छे आइलैंड पे ही पैसे वेस्ट किए जाए, इन्वेस्ट किए जाए, नोट की वेस्ट। अभी मैं बैंक में आया था करेंसी चेंज करवाने, ये $100 और चेंज करवा रहा हूँ। वहाँ एयरपोर्ट पर मैंने सिर्फ $85 चेंज करवाए थे। नो इट्स नॉट फोन कैमरा, तो क्या हुआ कि मैं अभी बंद करने कर रहे हैं, बंद कर देता हूँ। कल जिस मॉल में था मैंने वहीं से पैसे चेंज करवा लिए, रेट यहाँ पर हर जगह सेम ही मिलता है, चाहे आप एयरपोर्ट से चेंज कराओ चाहे कहीं से भी करवाओ। और अभी मैं जा रहा हूँ फेरी की टिकट लेने, मैंने ये ऑनलाइन ये बुक करवा लिया, बोल्ट नाम का ऐप है उससे आप बुक करवा सकते हो। ये देखो उसका फ़ोन भी आ रहा है, वो सामने ही खड़ा है, उसके साथ यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है और 4,000 रुपये ले रहा है, मतलब 4,000 शिलिंग यहाँ के, तो 1,000 रुपये 30 के बराबर होते हैं, तो 120 रुपये में 11 किलोमीटर ठीक है यार, 11 किलोमीटर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो चलो अभी चलते हैं और यहाँ पर TVS के बाइक वगैरह चलते हैं, और तभी ना लोग ये बोड़ा बोड़ा बोलते हैं इसको, घोड़ा घोड़ा नहीं बोड़ा बोड़ा, स्कूटर टैक्सी को। तो चलो चलते हैं, और यहाँ पर यही TVS के जो इंडिया में ऑटो चलते हैं वही यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर टुक टुक बोलते हैं शायद, या बालाजी बोलते हैं, ये भाई है अपने। हेलो यू नो टिकट ऑफिस, ओके जंजीबार फेरी बुकिंग ऑफिस, या ओके। ये भाई ये हेलमेट पहन लेते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग हेलमेट देते नहीं हैं, ये भाई तो रखते हैं यहाँ हेलमेट। ओके गो, ये मज़ा रहता है यार दूसरी कंट्री में आने का, क्योंकि ना आपको लैंग्वेज आती, खुद स्ट्रगल करके सभी जगह ढूंढनी, गूगल मैप ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए, और गूगल मैप की वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। अगर गूगल मैप ना होता तो मेरे को लगता है कि बहुत सी ट्रैवलिंग की जगह आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, और बहुत सी जगह आप पूछ पूछ कर जाते, लोगों से इंट्रैक्शन ज़्यादा होती पर इतना ढूंढ नहीं पाते। ये देखो प्राइस तो समझ नहीं आ रहा, डीजल पेट्रोल, हाउ मच इज द प्राइस इन डॉलर, कैन यू टेल मी इन डॉलर? $1 1 लीटर $1, कैन यू टेल मी वेयर इज द प्राइस रिटन
वन लीटर हाउ मच इन शिलिंग? वन लीटर इन शिलिंग हाउ मच? टू थाउजेंड? नो थ्री. लुक, नो दिस इज डीजल. दिस इज प्राइस. ओके 3000. दिस इज पेट्रोल. ओके पेट्रोल इज चीपर एंड दिस इज एक्सपेंसिव है डीजल. ये देखो यहाँ पे भाई 2920 का तो पेट्रोल है और 3130 का डीजल है. कमाल है ना कि मतलब पहली बार मैंने कोई कंट्री में देखा है कि पेट्रोल महंगा और डीजल सस्ता. बाय. नीचे स्क्रीन के नीचे डाल दूंगा कि इंडियन रुपीज में कितना एक लीटर हुआ यहाँ के हिसाब से. ये देखो जिम्मी गाड़ी जो इंडिया में अभी लॉन्च हुई है और अफ्रीका में पहले से ही घूम रही है. पहुंच तो गया फेरी वाले स्टेशन पे और आपको ना काफी लोग पीछे पड़ जाएंगे कि हमारी फेरी से टिकट लो, हमारी फेरी से. अब देखते हैं कितने की टिकट देते हैं ये. वो एक तो 84,000 की बोल रहा था, वो तो काफी ज्यादा महंगी है यार, $35. हेलो, हाउ मच इज द प्राइस फॉर फेरी? नो नॉट रेजिडेंट, फॉरेनर. इंडिया $35. ओके थैंक यू. भाई ये तो बहुत ज्यादा महंगी बोल रहे हैं यार, $35 जाने की, $35 आने की, $100 तो यही हो गए. और डेढ़ घंटे की फेरी है, इतनी महंगी पता नहीं क्यों है यार, समझ नहीं आ रही मेरे को. और अगर मैं सिर्फ एक दिन के लिए जाऊंगा तो बहुत महंगी पड़ जाएगी यार मेरे को, क्योंकि $70 तो मेरे यहीं लग गए. अभी एक दो फेरी पे और पता कर लेते हैं, अगर सेम प्राइस नहीं हुआ तो फिर और कहीं से फिर तो कैंसिल करेंगे, या मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा सोच समझ के आपको कि लूंगा या नहीं लूंगा. ये अंकल लेके जा रहे हैं एक जगह, वो बोल रहे हैं कि आप राउंड ट्रिप लोगे तो $60 की पड़ेगी, $10 कम, तो 800-900 रुपये ही कम होते हैं. पर चेक करते हैं कि फ़ायदा है कि नहीं करने का यार. फाइनली इस कंपनी से ना मैंने टिकट ले ली है. ये रही टिकट, एक $30 की पड़ी, आना जाना $60. तो देखते हैं कैसे रहते हैं. सभी कह रहे हैं कि जानजीवार जाओ, बड़ा अच्छा है यहाँ से तो अच्छा ही रहेगा. तो इससे अच्छा मैंने कहा चलो $60 इन्वेस्ट कर ही देते हैं यार, अब क्या करें, करना ही पड़ेगा. जब आ ही गए इतनी दूर तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए. तो चलो अभी चलते हैं, मेरे को किसी मेरे फ्रेंड से मिलना है और फिर निकलते हैं. 4 बजे की टाइमिंग है, अभी 10:30-11 बजे हैं. ये भाई मेरे को वापस पाम विलेज की तरफ लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बस में चले जाना आप. अगर टैक्सी वगैरह लोगे तो काफ़ी महंगी होगी. वहाँ के लोग यार बड़ी मदद करते हैं आपकी. मैं एक बात बताऊँ, किसी से भी कुछ एड्रेस पूछोगे तो आपको बताएंगे. और बहुत से लोगों को इंग्लिश आती होती है इधर, और ये भाई मतलब कि बड़े अच्छे लगे यार, मतलब कि आपको अपने आप मेरे से पूछे जा रहे हैं इंडिया में तुम, अभी रमजान चल रहा है तो सब लोग फॉलो करते हैं. मैंने कहा मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं, कहते यहाँ पर कुछ लोग फॉलो करते हैं, तंजानिया में ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी 56% लोग तो क्रिश्चियन है और 36% के आसपास लोग मुस्लिम हैं, और जो बाकी बच गए वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं. My name is Juma. Juma? J-U-M-A, because I born on Friday. On Friday, okay. That's why your name is Juma. You. You, okay. Me, my name is Juma, yeah. Yeah, yeah. Yeah, I born in Stone, Zanzibar. Oh, Zanzibar, you born on the island? Yes, because I come here for fishing, you see. Okay, fishing. Land, cutting everywhere. Okay, okay. Because I'm using my line. Yeah, yeah. I'm going to Zanzibar today. Today, yeah. Yeah, but tomorrow like, I came. You are coming to Zanzibar? Yeah, maybe okay. I see around in Stone Town. Yeah, yeah. You walk around in the city. Yeah, I'm so, going to stay on the beach. Beach is at North Coast is very best. Yeah, I write you the Kendo Rocks, you see sunset. Yeah. And also full moon beach party. Yeah. You can swim all the time because many times the water is high tide. Yeah. So you can swim in very clean in blue water. Yeah, it looks so good. When I was in the flight, it was looking so beautiful. Yeah, so when you're swimming, when you went in the North Coast, you feel you are paradise on earth. Okay, okay. Thank you so much. Yeah. The East Coast is going to be really nice. Okay. Because there's so many beaches that like a seaweed down the beach. Yeah. It's not a clean beach. Yeah. It's very dark. Okay.
ये देखो भाई, थोड़ी सिटी के बीच में आगे हम चलते हुए, ये डायरेक्टली मेरे को बस में बिठा कर ही छोड़ेंगे यार। मतलब कि सच में यार, एक बात तो मैंने देखी है, जितनी कम डेवलप्ड कंट्री होती है ना, उसमें उतने ही ज़्यादा अच्छे लोग मिलते हैं। मतलब कि अफ्रीका के बारे में मैंने सुना था कि लोग सामान चुरा के ले जाते हैं, ये चुरा के ले जाते हैं, मेरे को अभी तक ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आई। जितना सेफ मैं दिल्ली में भी फील नहीं करता ना, उससे ज़्यादा फील सेफ फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि दिल्ली में कुछ एरिया में, बाकी दिल्ली भी कोई बुरी सिटी नहीं है, मैं सही बताऊँ, मेरे को वैसे पसंद नहीं है दिल्ली, क्योंकि वहाँ पर ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और किसी से कुछ पूछो ना तो मेट्रो में जवाब भी नहीं देता है यार। लुक, ये मेरे को यहाँ बस स्टेशन पे ले आए हैं, यहाँ से बोल रहे हैं कि सभी जगह की बस मिल जाती है आपको, जहाँ भी जाना है, पाम आइलैंड जाना है, जहाँ भी जाना है आपको, पाम विलेज जाना है सॉरी, तो बस मिल जाएगी। अभी 3:30 हो चुके हैं और मैं मेरी फेरी के लिए पहुंच चुका हूं, और फेरी की टिकट मैंने आपको बता दी $60 की आने जाने के लिए है। कहीं से भी अगर आपको फेरी लेनी है तो आप सिर्फ गूगल मैप में ये लिखो कि जंजीबार फेरी स्टेशन, तो वहीं पर आओगे जहां से आपको टिकट मिलेगी और वहीं पर आप पहुंचोगे जहां से कि आपको फेरी लेनी है। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे फेरी लेकर जंजीबार पहुंचूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे सिम कार्ड वगैरह लेना है, कैसे लोगों से बचना है। मैं ट्राई करना कि आप नेगोशिएट करो, लोग नेगोशिएट भी कर लेंगे, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप मतलब कि अगर मेरे को $70 बोले थे, इन्होंने 60 पे आ गए, $10 कम कर दिए। हो सकता था कि अगर मैं और ट्राई करता था और भी कम कर देते, तो आप ज़रूर कोशिश करना कि नेगोशिएट करना, और जो लोग इधर उधर आपको लेके जाएंगे उनको बोल देना कि हाँ मेरे को इतने में नहीं, मेरे को इतने में चाहिए, वो अपने आप आपको दिलवाएंगे, क्योंकि उनका भी फ़ायदा होता है इस चीज़ में। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, जय हिंद।